आपके झूठ का भलंदा, आपने मेरे बाबा को मरने दिया, फांसी चढ़ने दिया और उनकी वसीयत तक झुटला दी क्योंकि आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो किस तरह बात कर रही हो मेरी मामा के बारे में और किसकी खातिर? उस फवाद के लिए? फवाद तुमसे बहुत बेहतर है, एटलीस्ट उसने सच तो जाहिर होने दिया मुझ पर। चलो जाओ। जो इंसान मेरी दौलत के पीछे यूं हाथ धो के पड़ा हो ना, उस जैसे लालची इंसान से मैं शादी ही ना कर लूं। समझे? तो अब आहिदा कभी यहाँ फोन नहीं करना। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि अगर मदीहा वहां थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? कहाँ थी वो? क्यों नहीं लड़ी तुम्हारे लिए? हानिया कहाँ होगी? वहीं होगी जहां उसे इतनी शय मिली है, जिस वजह से उसने ना तुम्हारी मोहब्बत का ना आंटी की ममता का कोई भरम रखा। तुम इस घर में उस वक्त तक कदम मत रखना जब तक आंटी और आबिस खुद आकर तुमसे माफी ना मांगे। मेरी आज हानिया से बात हुई फोन पे। अच्छा, कहाँ है वो? फवाद के घर। मैंने उससे कहा कि आप उसको पसंद नहीं आएगा जब उसको पता चलेगा कि वो वहां है। उस पे ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ, मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर मैंने उससे कहा कि घर वापस आ जाए तो एकदम से उसकी अना आ गई बीच में और कहने लगी मैं नहीं आऊंगी, मैं यहां बहुत खुश हूं और मुझे वापस नहीं आ। मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती लेकिन हानिया में मुझे तब्दीली नजर आई। मैंने जब जब तुम्हारा जिक्र किया, तुम्हारी बात की, उस पे जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं। आबिस, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, अब तुम सब कुछ भूल जाओ। हानिया, ये घर, यहां पे मौजूद हर चीज, इस पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना अरीबा का। पर ये घर मेरा तो नहीं है। हानिया, घर तो घर होता है ना, जहां पर प्यार ना मिले, इज्जत ना मिले, वहां रहने का क्या फायदा? जब तक तुम यहां हो, इस घर को अपना समझ के रहो। इस तरह कमरे में बैठे रहना, उदास रहना, डिप्रेस्ड रहना, इससे मसला हल नहीं होगा। पर मैं क्या करूं फवाद, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई राह ही नहीं बची। कहां जाऊं जो सब कुछ मेरे बाबा के साथ हुआ, जब मेरे साथ हो रहा है। हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हम उन पे केस कर सकते हैं, तुम्हारे बाबा की जायदाद क्लेम कर सकते हैं। वो लोग बिल्कुल टूट जाएंगे। ये सब करूंगी तो तकलीफ किससे होगी? उन सबको जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, खास तौर पे आप इसको। मैं उसे दुख जरूर दे सकती हूँ, उसका घर छोड़ सकती हूँ,
उसे बदनाम नहीं कर सकती। उसने भी तो तुम्हें घर से निकाला था, क्या कसूर था तुम्हारा? तुमने उन लोगों को सिर्फ आईना ही तो दिखाया था, और क्या किया था? आईने में अगर सूरत की जगह सीरत दिखाई देने लगे तो आईना तोड़ दिया जाता है, और आप इसने मुझे तोड़ दिया। हानिया, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता, प्लीज बाहर आओ, हमारे साथ बैठो। मैं तुम्हें ऐसे देखता हूं तो गिल्टी फील करता हूं मैं, मुझे लगता है जैसे आबिस ने मेरी वजह से तुम्हें। आप प्लीज गिल्टी फील ना करें फवाद, आप मेरे मोहसिन हैं। रबिया जी, आपने बुलाया? ये शर्ट इस्त्री कर दूँ? वो मैं जरा आपका नाश्ता बना रही थी, बना के कर दूँ? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, वो जो तुम शर्ट लाई थी ना मेरे लिए, वो मुझे दे दो ताकि मैं वो पहन के चला जाऊँ। अभी लाती हूँ। रबिया, वो मैं तुम्हारी अम्मी से और अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैंने जो अब्दुल्ला के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। मैं काम करो कि उनको आज रात यहाँ दावत पर बुला लो, मैं उनकी शिकायतें दूर करना चाहता हूँ। ये पहली दावत जो है ये मेरी तरफ से होगी, उनको फोन करके बुला लो तो। जैसे आपकी मर्जी। शर्ट अभी लाए। बहुत अच्छी लग रही है आपको। अच्छा, मैं आपका नाश्ता लगाती हूँ। हाँ वो मैं कुछ अपना सामान लेने जा रही हूँ घर से। घर से क्यों? अगर कोई जरूरी चीज चाहिए तो मैं दिलवा देता हूँ। नहीं थैंक यू फवाद, आपके पहले बहुत एहसान आते हैं मुझ पर। मैं उसे एहसान नहीं दोस्ती समझता हूं, वही दोस्ती जो तुम्हारे और अरीबा के दरमियान है। मैं काम से बाहर जा रहा हूं, तुम साथ चली चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं फवाद, मैं खुद चली जाऊंगी। हानिया, मैं जानता हूं तुम खुद जा सकती हो वहां, लेकिन मेरे साथ चली चलोगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा घर मेरे रास्ते में ही आता है। आई ड्रॉप यू, चल। मेरी मजबूरी समझिए आप, मैं थक गई हूं आपा को टाल टाल कर, मगर उन्होंने तो जैसे एक ही बात की रट लगाई हुई है, मुझे मदिया का घर बसाना है, घर बसाना है उसका। और अगर देखा जाए ना तो आपा की बात बिल्कुल ठीक है, अब माँ से ज्यादा कौन बेटी की फिक्र कर सकता है, बताए मुझे। कहती तो तुम ठीक हो, सच पूछे मुरझा जाएगी वो,
इस घर से जाकर बिल्कुल मुरझा जाएगी, लेकिन बहुत सब्र वाली बच्ची है, एक लफ्ज नहीं बोलेगी। उसका दिल लेकिन उसका दिल जो इस घर से जुड़ा है ना, वो मर जाएगा। और हाँ, मैंने तो अभी तक उसे बताया ही नहीं है, आपा ने रिश्ते के एक भतीजे से हाँ कर दी है। क्या? पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये मदिया से पूछे बगैर उसका रिश्ता कैसे तय कर सकती है वो? अब बेवा के लिए अपनों में से कोई रिश्ता निकल आए तो इससे बड़ी गनीमत क्या होगी? और आप भी तो अब इससे बात नहीं कर रहे। मैंने सोचने का वक्त मांगा था और जुलेखा ने उसका रिश्ता तय कर दिया बाहर। मैं सास हूं उसकी, मुझसे मशवरा तो किया होता कम से कम। अरे नहीं, वो रिश्ता तय नहीं किया, अभी तो बस हाँ किया ना आपा ने। रिश्ता तो तब तय होगा जब मदिया वहां चली जाएगी और आप ना कर देंगी। मैं आप इससे आज ही बात करती हूँ, मैं तो बस उसके संभलने का इंतजार कर रही थी। अरे संभाल लिया उसे मदिया ने, आप बस आप इससे बात करें और ऐसे बात कीजिएगा हक से, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए फैसला कर लेती है। और माँ जो अपने बच्चे के लिए फैसला करती है ना, वो हमेशा उसके लिए फायदेमंद साबित होता है। फवाद, आप यहाँ वेट करें, मैं अंदर से अपना सामान लेकर आ रही हूँ। मुझे अगर इंतजार करना होता तो मैं बाहर गाड़ी में भी कर सकता था, साथ चलूंगा तुम्हारे। अच्छा चलिए। चाय बना दीजिए, पियेंगे ना? फवाद आइए। हानिया का कुछ सामान लेने आए हैं। आप रुकिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। आओ बैठो ना प्लीज। पहले चले जाना चाहिए था हानिया, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं थी कभी। हमने तुम्हें पनाह दी, प्यार दिया, इज्जत दी, कि तुमने भी वही किया ना जो तुम्हारी माँ ने किया था, तो तुम क्यों कुछ फर्क करो? अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। तुम अब वहीं रहना चाहती हो फवाद के साथ? हाँ, तुम्हें परवाह थी तो तुम पूछते कि मैं कहाँ हूं। फवाद नहीं होता तो अब तक मर चुकी होती मैं। उसने मुझे तब सहारा दिया जब तुमने मुझे इस घर से बाहर फेंक दिया था। वापस भी नहीं आना चाहती?
नहीं, ठीक है, हमें ना बहुत पहले चले जाना चाहिए था। हानिया, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं थी कभी। हमने तुम्हें पनाह दी, प्यार दिया, इज्जत दी, कि तुमने भी वही किया ना जो तुम्हारी मां ने किया था। उन्होंने भी अपने शौहर को धोखा दिया, तो तुम क्यों कुछ फर्क करो? तुम्हारा सामान अपने आप से हारी प्यारी। हानिया, अब तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं यहाँ, सब ठीक कर दूंगी और तुम्हें यहाँ वापस इज्जत से लेकर आऊं। तो परेशान मत हो और अपना ख्याल रखना, फोन करूंगी तुम्हें। हाँ, जल ले जितना जलना है, मोम ने तो पिघलना है। मोम ने तो पिघलना है। उम्मीद, मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी आप इससे। बात करती है मुझ पर, आखिर मेरा कसूर क्या है? इतने गैर हो गए सब। बदले तो या तो ना बदले। हानिया प्लीज मत रो, अपने कीमती आंसू इन लोगों के लिए बहाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फवाद, मेरा कसूर क्या है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है सब? क्या मैं अपने माँ बाप के बारे में सवाल भी ना करती हमेशा के लिए? आखिरी बार आई थी वाकई इस उम्मीद से आई थी, और आप इसे वो उम्मीद भी तोड़ दी मेरी। मालूम था मुझे, जानता था मैं कि आबिस तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम्हारा दिल ना टूटे। इसीलिए मैंने बाहर इंतजार नहीं किया और तुम्हारे साथ अंदर चला आया। अकेला नहीं छोड़ सकता था तुम्हें। अब यहां पे रोने और अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है हानिया। रिश्ते दर्द के जोड़े थे वो, अब मुझसे अनजान है। रबिया जी। अम्मा, सब बन गया बेटा? जी वो सब तैयार है अम्मा, बस चावलों को दम लगाना है और शाहिद का इंतजार है। तुमने तो मुझे खुश कर दिया है बेटा, मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी है तुम। जीत गई हो और मधिया हार गई हो,
उसकी झूठी मोहब्बत के दावे हार गए हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारे इखलाक, प्यार, मोहब्बत और खिदमत गुजारी ने शाहिद को बिल्कुल बदल डाला है। जीती रहो। लेकिन अम्मा, अभी भी एक कमी, एक खिंचाव सा महसूस होता है। शाहिद के दिल में अभी भी मदिहा जिंदा है। पता नहीं मैं उसे मिटा पाऊंगी या नहीं। तुम कुछ भी कर सकती हो रबिया, बड़ी ताकत है तुम में, और ये ताकत तुम्हें तुम्हारे रिश्ते ने दी है। शाहिद के दिल पे राज करोगी तुम, देखना। मेरी दुआ है, और उस मदिहा को लगी हवा का झोंका भी तुम दोनों को चूने ना पाए। ओहो, मैंने तुम्हें बातों में लगा लिया। चलो अब ऐसा करो कि तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। शाहिद आने वाला है, मैं नहीं चाहती वो तुम्हें इस हाल में देखे। नहीं अम्मा, आप काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ आराम करेंगे, आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। अब बिल्कुल ठीक है, और फिर मैंने सारा दिन किया ही किया है, पलंगी तो तोड़ा है ना, और तुम पर हुक्म चलाया, अब कर लेती हूँ ना मैं बाकी काम। नहीं, आपका काम हुक्म चलाना है, काम मैं कर लूंगी, बल्कि मैंने आपके लिए सूप बनाया है, आप यहीं बैठे आराम से सूप पीजिए, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लेती हूँ ना काम। नहीं, आप चाहती है ना आपकी बहू तैयार है। हाँ, हर वक्त तैयार हो, सजी संवरी रहे। तो बस मैं सूप लाती हूँ, आप झटपट खत्म करें, तब तक मैं तैयार हूँ। जीती रहो। वैसे खाला, अजीब बात नहीं है, जो हम चाहते थे वो इतना जल्दी हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हानिया आई और हमेशा के लिए चली भी गई। ये सब गैबी करामात है, अल्लाह ताला जब बंदे से राजी होता है ना, सारे काम ऐसे ही झटपट हो जाते हैं। पर उस हानिया की बच्ची को तो देखो, मैंने उससे कहा भी था यहाँ मत आना, फिर भी आ गई अपनी शक्ल उठा के मेरे घर। ऐ, सिर्फ तेरा घर नहीं है, उसका भी घर था, और इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो आ गई घर, मैंने मना किया था, जैसे आई थी वैसे ही चली गई, खस कम जहाँ पाक। वैसे खाला तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, खिदमत से सब कुछ जीता जा सकता है। अब देखो ना, इतना सा ख्याल रखा मैंने आबिस और आंटी का, और उस पर आबिस ने सारा सामान हानिया को पकड़ाया और चलता किया। ए? तुझे कैसे पता? मेरे चार कान और चार आँखें हैं, अब देखो ना, तो करिश्मा ही तो है। करिश्मा वरिश्मा कुछ नहीं, ये सब तेरी खाला की अकल सलीम है, तेरे हवाले करती ना तो सब कुछ बिगाड़ देती। अरे मांज रही होती बर्तन उस शाहिद के घर पे। मांजती मेरे पैरों की जूती। खैर, पता नहीं क्या होगा आगे। मुझे तो लगता है तलाक हुई हुई। इंशाल्लाह ये घर, अब इसका प्यार, रुपया, जायदाद, पैसा, सब कुछ मेरा हो, किसी तीसरे को बीच में नहीं आने दूंगा। ओ बहन, मेरा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? लो भाई, तुम्हारी सास के कानों में जो बैठ के मैंने शीरनी घोली है, अपना हलक सुखाया है, हैं? इतनी मेहनत की है तुम्हारा घर बनाने पर, मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं दोगी, ऐसे ही टरखा दोगी, चाहिए मुझे मेरा हिस्सा। अरे क्या करोगी इतने सारे सिले का? क्यों, क्या मैं मर गई हूँ, मरहूम हो गई हूँ? अरे मेरी जिंदगी पड़ी है, खर्चा करूंगी, याशी करूंगी, अपनी मर्जी से पैसा खर्च करूंगी, मैं कपड़े बनाऊंगी अपनी मर्जी के, जिंदगी भर तरसती रहूं क्या मैं? अभी कौन सा मिल गया है मुझे जो तुम आस्तीन चढ़ाकर लड़ने लगी, और वैसे भी तुम्हारी ही तो हूं मैं, तो जो मेरा वो सब कुछ तुम्हारा। देख ले, मुकरना नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो खाला, ये बताओ कि आगे क्या करना है। देखो तुम्हारा कहा तो मैं ऐसे मानती हूँ जैसे कोई फरमान हो, तब तजुर्बा जो है तुम्हें। हाँ तजुर्बा तो है मुझे, देख कैसे अपनी सास नंदों को मैंने साइड पे लगाया है। मैं तो कहती हूँ तुझे भी ये गुर आने चाहिए, सीख ले। शुक्र है यहाँ कोई नंदों और जेठानियों का चक्कर ही नहीं है, एक मासूम सी बुढ़िया है, उसे भी कुछ दिनों में कमरे तक का कर दूंगी। सही,
अच्छा बताओ ना क्या करें आगे फिर? क्या करें? अरे वो ही कर जो तू करती आई है। आप इसको अपना कंधा दे, वो बेचारा जी भर के रो ले। और रोते 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 सोचे इसी कंधे के सहारे जिंदगी गुजार देनी चाहिए। कैसा? ऐसा ये इसी बात को थोड़ी सी हाल क्यों हानिया क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक हो गई है आ जाकर, लेकिन वहां हुआ क्या? तुम तो बस सामान लेने गई थी। देखो क्या वापस लेकर आई, यतीम तावारिस बेकार हो गया, धोखा खाकर आ गई। हानिया अरीबा उसे कुछ देर अकेले रहने दो। भाई आप उसके साथ गए थे ना, क्या हुआ वहां? हाँ गया था मैं उसके साथ, बहुत बड़ी गलती हो गई उसे वहां ले जाकर। एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को दुनिया के आसरे पर सड़क पर फेंक सकता है कैसा इंसान होगा? बहुत बुरा हुआ हानिया के साथ, पता नहीं वो सह पाएगी। भाई हम उसे संभाल लेंगे। देखते हैं। मर चुकी है वो, मेरे लिए भी और इस घर के लिए भी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती आनिया। मतिया के सिवा हमें कोई नहीं समझ सकता। अपने आप से हारे, अपने आप से हारे। वालेकुम अस्सलाम। तारीफ नहीं करेंगे? किसकी? खाने की। अभी आप खाने की खुशबू से लुकमे बना रहे थे। हाँ खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम्हारे घर वाले नहीं है? मेरे घर वाले आप हैं, वो मेरे मैके वाले हैं और वो अभी नहीं है। अच्छा शायद मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करेंगे। कौन सी ख्वाहिश? आप मैंने जो कपड़े आपके लिए इस्त्री किए आप वो पहन लें। ठीक इतने बुरे हैं नहीं जितने बनते हैं।
अब वो चली गई है तो पछता रहे हो, कि सामान भी तुम्हें तुमने खुद ही पकड़ा है। I'm sorry, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, लेकिन तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो आ ही गई थी तो उसे रोक लेते ना। फवाद के साथ आई थी तो क्या फर्क पड़ता है? वो अकेले आई होती, उसे कभी ना जाने देता वापस। लेकिन वो जानबूझ के फवाद को लेकर आई और उसी से कहलवाया कि सामान लेने के लिए आई। मेरे सामने उसे अपना मेहरबान बनाकर लेकर आई। देखो आबिस, अगर तुम चाहते हो तो मैं हानिया से एक बार फिर बात करके देखती हूँ, उसे समझाती हूँ, उसे कोशिश करती हूँ बताने की। मुझे नहीं, उससे कोई बात नहीं करेगा, कोई जरूरत नहीं उसकी मिन्नतें करने की। वो यहां मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन असल में वो मेरे दिल में जो बची कुची मोहब्बत थी उसके लिए, जो चाहत थी, उसे मार कर गई है। मर चुकी है वो, मेरे लिए भी और इस घर के लिए भी। आबिस, पता नहीं क्या घोल कर पिलाया है इस अरीब और इसके भाई ने हानिया को, ऐसे आई जैसे जाना ही था। माँ के मकाम से तो वो मुझे पहले ही गिरा चुकी है। अच्छा हुआ जो नहीं देखा उसने मेरी तरफ, अगर देख के मुंह फेर लेती ना तो मुझे ज्यादा दुख होता। पता नहीं ये घर अब कब कोई खुशी देखेगा। रामिस इस दुनिया से क्या गए, सबको दुखी कर गए। आप इसकी अलहदा आजमाइश है, बीच में लटक के रह गया है बेचारा, ना इधर का रहा ना उधर का। आज रामिस जिंदा होता तो सब ठीक हो जाता, मसले को मुझ तक पहुंचने से पहले ही हल कर देता था वो, मुझे कभी परेशान नहीं होने देता था। ठीक कह रही हैं, और अब उसकी कमी हमारी मधिया पूरी कर रही है। पता नहीं रामिस ने उससे क्या वादा लिया मरते वक्त, वो तो जैसे खुद को भूल सी गई है। हर वक्त इस घर को जोड़ने में बनाने में मसरूफ रहती है, खो गई है वो कहीं। रामिस ने मधिया से क्या वादा लिया उसने? मुझसे तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वो क्यों बताएगी आपको, लेकिन जिस सच्चाई और लगन के साथ वो इस घर के मामलात को संभाल रही है, कैसे वो हर वक्त आप इसके साथ साथ रहती है ताकि गम गुस्से में वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। आपकी फिक्र उसे अलहदा परेशान रखती है, खुद को तो जैसे भूल गई है वो, सबका सोचती है वो, मगर उसका सोचने वाला कोई भी नहीं। आपके रामिस की निशानी भी रामिस की तरह ही है। अल्लाह उसका भला करे बस। इलाही आमीन। अरे वाह, तू तो आज बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। हाँ बस वो आपकी बहू ने ऐसा बना दिया मुझे। मेरी बहू है इतनी सलीके वाली? अपन
थोड़ा बहुत खुश शक्ल मैं भी हूं। इंसान को खुश शक्ल होने के साथ साथ ना खुश इखलाक भी होना चाहिए। देख तेरे ससुराल वाले तेरी दावत पर यहां आ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत करना। घर में सिर्फ सीधा ही होगा अम्मा, उल्टे काम कहीं और करने। तू नहीं सुधरेगा भाई कभी। अम्मा ये देखिए, इसको तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, कितनी अच्छी बनाई है। क्या बात है, आपको भूख लग रही है? नहीं नहीं तो। अगर लग रही है तो मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेहमानों के आने से पहले खा लेगा तो ये कौन सी दावत हुई भला? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों के साथ ही खा लूंगा। ये लोग तो पता ही नहीं कहाँ रह गए। आपको भूख लगी है तो मैं खाना दे देती हूँ। अरे नहीं बहू, कोई भूख भूख नहीं लगी इसे, और तू अपने मैके वालों के आने से पहले खाना झूठा मत कर। चला मुझे दिखा क्या क्या बना लिया तूने। पना दी, प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन तुमने भी वही किया ना जो तुम्हारी माँ ने किया था। उन्होंने भी अपने शौहर को धोखा दिया, तो तुम क्यों कुछ फर्क करो? खाना लग गया है और इतनी मजे की बिरयानी बनाई है ना आज बुआ ने। हानिया तुम क्यों रो रही हो ऐसे बंदे के लिए जो तुम्हें बार बार धुतकार रहा है? यकीन करना चाहती हूँ, ऐसी दुत्कार चाहती हूँ कि दिल हिम्मत करे भी तो कदम जाने के लिए तैयार ना होगा। हरीबा वो शख्स जो मुझसे शादी करने के लिए बेताब था, गलती पर भी 100 बार माफी मांग लेता था, फिर मेरी ही गलती क्यों ना हो, वो कैसे कैसे इतना बदल गया? वो बदला नहीं है, बस बुरा वक्त आ गया है तुम दोनों के ऊपर। उसे तो वो ही मोड़ लिया मुझसे, उम्मीद से उसकी तरफ देखा था मैंने, उसने मेरी सारी उम्मीदों को हसरत में बदल दिया। तुम ये उम्मीद लेके गई थी वहां क्या? मेरा कसूर क्या है? मैं भी बाबा के पास चले जाना चाहती हूँ, कोई रिश्ता नहीं रहा मेरे पास, मैं जिंदा रह के क्या करूं? मत करो ऐसी बात, क्यों क्यों ना करूं? किसको है मेरी परवाह? मुझे है। फवाद भाई को है। दूसरों के लिए खुद को इतना दुखी मत करो हानिया, हम हैं ना तुम्हारे साथ, बस सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रीबा, उसे सब खत्म कर दिया। हानिया अभी तुम दोनों गुस्से में हो, जज्बात में आके ऐसे फैसले नहीं किया करते। अब इसको थोड़ा वक्त दो, खुद थोड़ा वक्त लो, उसके बाद कोई हतमी फैसला करो। तुम दोनों में से किसी एक को तो समझदार होना पड़ेगा। सिवा हमें कोई नहीं समझ सकता। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। जब वो नहीं जाती तो उसे भी मेरी यादों से निकाल दे। हानिया ने आबिस से रिश्ता खत्म कर दिया है, लेकिन इस बच्चे का तो बहुत मजबूत रिश्ता है आबिस से। बस खाला, ये समझो कि मंजिल बहुत करीब आ चुकी है। मैं और मदिया शादी कर रहे हैं।
बहुत जरूरी।